रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जो दाल से है। पंजाब में किसानों से मूंग की खरीद जारी है। सरकार ने तय किया न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 7,270 रुपए प्रति क्विंटल MSP दे रहा है। मुख्यमंत्री भगवत मान की अपील का समर्थन करते हुए प्रदेश के किसानों ने पिछले साल 50,000 एकड़ के मुकाबले इस साल करीब 95,000 एकड़ में ग्रीष्म मूंग की बुआई की है। पिछले साल 2.98 लाख क्विंटल के मुकाबले इस साल 4.75 लाख क्विंटल उत्पादन होने की उम्मीद है, यानी रिकॉर्ड पैदावार हुई है। अधिक उत्पादन से किसानों को अधिक धन मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। पंजाब मंडी बोर्ड ने इसकी खरीद के लिए 40 मंडियां तय की हैं, जिसमें किसानों से मूंग की खरीद MSP पर 31 जुलाई तक की जाती है। वहीं बता दें कि MSP पर मूंग की फसल की खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई ठोस व्यवस्था से किसान खुश है। उन्हें इसकी सरकारी दर मिल रही है, जिससे आय बढ़ने से इनको मदद भी मिलेगी। वहीं मूंग को MSP पर खरीदने के निर्णय की सराहना करते हुए मोहाली के ललांड गांव के किसान ने कहा है कि राज्य सरकार ने उपार्जन के लिए अच्छी व्यवस्था की है। किसान ने बताया कि उसकी फसल को राज्य सरकार ने बाजार में आने के तुरंत बाद MSP पर खरीदा था। वहीं इसी तरह गांव मल्लवाल जदीद के किसान भी MSP पर अपनी मूंग की फसल खरीद से खुश हैं। इसके लिए सरकार की सराहना भी की उन्होंने, क्योंकि किसानों को न केवल लाभ सहित पूरी कीमत मिल रही है, बल्कि फसल को बाजार में बेचने में कोई समस्या भी नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। वहीं एक किसान ने कहा है कि इस फैसले से राज्य के किसानों की आय में वृद्धि होगी, जिससे किसानों को मौजूदा कृषि संकट से उबारने में मदद मिलेगी। वहीं लुधियाना के बर्मी गांव के किसान ने भी फसल की खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि जब वह अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचते हैं तो राज्य सरकार द्वारा तैनात उपार्जन अधिकारियों ने उन्हें दिए जा रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने में मदद की। पूरी फसल MSP पर बिकी और इस दौरान कोई दिक्कत भी उन्हें नहीं हुई। वहीं मोगा के तख्तपुरा गांव के किसान ने बताया कि उन्होंने अपनी 20 क्विंटल मूंग बिना किसी दिक्कत के MSP पर बेच दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई व्यवस्था मंडियों में बखूबी काम कर रही है। मूंग फसल विविधीकरण की एक पहल है, जिससे पानी की बचत होगी, यहाँ की खेती अच्छी होगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी।